बार बार फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने और किसी आपराधिक मामले में डालकर जिंदगी तबाह करने की धमकी देने के मामले में पत्रकार ने एसपी को पत्रक सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही जिसमें जानमाल की सुरक्षा की भी गुहार लगाने के साथ ही गांव के पलायन के प्रशासन से अनुमति मांगी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पत्रकार को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदर तहसील के अध्यक्ष श्याम प्रकाश शर्मा तिवारी ग्राम चंद्रपुरा पोस्ट बांसदीह रोड के रहने वाले हैं। उन्होंने व्यक्ति और पीड़ा के साथ तहरीर दी है कि प्रार्थी अपनी पैतृक संपत्ति के असामान्य रूप से बंटवारे के कारण मेरे भाई ओम प्रकाश और जय प्रकाश शर्मा के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद के निस्तारण के लिए पंचायत स्तर, थाना स्तर और उच्च अधिकारियों द्वारा प्रयास किया गया है। मैं श्याम प्रकाश शर्मा, अमर उजाला का रिपोर्टर हूँ, मासूर। क्या हुआ आप सर? मामला ये है कि हमारा लड़का जो लखनऊ में पत्रकारिता में दोनों लड़के योगदान कर रहे हैं और उनका भी फर्जी तरीके से ये बांसीओ द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बावजूद भी मेरे ऊपर भी दो मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं 20 दिन के अंदर। हमने एसपी साहब से गुहार लगाया है, अब देखते हैं कि अब एसपी साहब इस पर क्या कर रहे हैं। तो क्या उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि इसको जो भी इसमें दोषी है उसको कार्रवाई किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगर पलायन की अनुमति मुझे मिल रही है तो हम लोग पूरे परिवार के साथ पलायन हो जाएंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए